नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नरसिंहपुर नगरपालिका ने छेड़ी मुहिम। अध्यक्ष ने कहा समस्या से अवगत कराएं। नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर द्वारा नाली एवं नालों की सफाई का अभियान लगातार जारी है। शहर के ऐसे हिस्से जो अभी तक पहुंच से दूर थे, विभाग की जानकारी में आते ही उनका स्टाफ वहां पहुंचकर मुहिम में जुट जाता है। व्यक्तित्व की धनी एवं मिलनसार अध्यक्ष श्रीमती अर्चना नीरज महाराज शहर की समस्या को लेकर गंभीर हैं। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए दूर करने में लग जाती हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर जिले का नाम स्वच्छता मिशन ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके साथ सब इंजीनियर सत्य प्रकाश तिवारी, सहायक यंत्री सुरेश डहेरिया, दीपक भट्टाचार्य एवं उनका स्टाफ मौके पर जाकर समस्या से अवगत होकर कार्य में लग जाते हैं। अनेक वार्डो में लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर गंदे एवं बरसाती पानी के बहाव को सुगम बनाया। महाजनी वार्ड के नया बाजार के हिस्से में जाकर सफाई अभियान को छेड़ा और वहां के रहवासियों को गंदगी, बदबू तथा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था बनाकर वहां के लोगों को समस्या से निजात दिलाई। रहवासियों द्वारा उनके इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की गई। अपने कार्य के प्रति समर्पित सहज एवं मिलनसार नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना नीरज महाराज ने कहा कि शहरवासी की तकलीफ हमारी तकलीफ है और उसे दूर करने का पूरा प्रयास पहले से होता रहा है और वह हमेशा जारी रहेगा। और कहा कि शहर की विभाग से संबंधित निर्माण कार्य या जनकल्याणकारी योजना से संबंधित कोई समस्या हो तो नगरपालिका परिषद को अवगत कराएं, जिससे समस्या को दूर किया जा सके। शहर की जनमानस के हित में चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे जन कल्याण की योजनाएं व सफाई कार्य हो, वह नगर पालिका द्वारा किए जा रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो नगर पालिका को, नगर पालिका परिषद को अवगत कराएं। जी, नगर पालिका के द्वारा यहाँ जो काम किया जा रहा है, इससे आपको क्या फायदा है? हमको बहुत फायदा है इससे। यहाँ बहुत मच्छर और वो होते थे, गंदगी बहुत थी, यहाँ बहुत जानवर आते हैं, कभी यहाँ की नालियाँ साफ नहीं होती थी। अब ये कचरा उठ रहा है तो थोड़ा सही लगेगा, साफ सफाई रहेगी। खबर समय जगत के लिए नरसिंहपुर से राजेश नेमाजुनी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।